हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद रश्मि। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग क्लास 12th बिजनेस स्टडीज इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा भी है फुल चैप्टर इन वन वीडियो, तो एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल पर अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज के अलावा इकोनॉमिक्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स की वीडियोज हैं। आप चाहे तो सब्जेक्ट वाइज वीडियो देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। हमारी वीडियो में पर्पज़ होता है कि आपको फनी वे में या इंटरेस्टिंग वे में टॉपिक को समझाना, ताकि आपको वापस किसी और बुक की या नोट्स की ज़रूरत ना पड़े। आई एम श्योर एक बार आप वीडियो अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपको ये चैप्टर इतने अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोबारा स्टडी करने की। एग्ज़ाम टाइम पर बस एक बार रिविज़न करिए और आराम से अपने आंसर्स लिखिए। बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की स्टार्टिंग करते हैं मीनिंग से, क्या मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग का। तो ऑर्गेनाइजिंग, पहले डेफिनेशन, इसकी मीनिंग देख लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजिंग एंड ब्रिंगिंग टुगेदर फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एस्टेब्लिशिंग प्रोडक्टिव रिलेशन अमंग देम फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल। तो इसकी मीनिंग क्या है कि मतलब पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमें परफॉर्म करना है। उसके बाद उनकी ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग करने के बाद उन्हें ह्यूमन रिसोर्स के साथ एक साथ लेकर आना, मतलब मैन मटेरियल एक साथ लेकर आना, और फिर उन्हें इस तरीके से यूज़ करना, उन रिसोर्सेज का यूज़ करना कि हम अपने जो गोल है हमारा उसे पूरा कर सकें। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, तो ग्रुपिंग करना, एक्टिविटीज़ की आइडेंटिफाई करना, फिर उनकी ग्रुपिंग करना, और इस तरीके से ग्रुपिंग करना कि हमारा गोल, जो डिज़ायर्ड गोल है, वो हम अचीव कर पाएँ, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। एग्जांपल ले लेते हैं, एनुअल फंक्शन। आपको एनुअल फंक्शन कराना है स्कूल में। ठीक है, अब एनुअल फंक्शन करना है तो अलग अलग टीचर्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, फिर उनका ग्रुपिंग करेंगे और फिर उस टास्क को कम्प्लीट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर एनुअल फंक्शन में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी अलग अलग टीचर्स को। ठीक है, और फिर उसके बाद सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ऑर्गेनाइजिंग, राइट। अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। प्रोसेस, इसका प्रोसेस क्या है, कैसे ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। तो देखिए, 4 स्टेप्स हैं इसके। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या काम करना है, फिर उस काम को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉल पार्ट्स में। तो डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉलर यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करना। जैसे भी हम एग्जांपल ले रहे थे एनुअल फंक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले देखना है कि एनुअल फंक्शन में थीम क्या होगी, क्या परफॉर्म किया जाएगा। तो आइडेंटिफाई किया, फिर डिविजन ऑफ वर्क, फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क को डिवाइड करना कि क्या डांस रखना है, डांस भी होगा, स्किट भी होगी, एंकरिंग भी होगी। तो हमने डिवाइड कर दिया वर्क को। ठीक है, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंट्स बनाने, अलग अलग। ये डिपार्टमेंट कैसे बनाए जाते हैं, फंक्शंस के बेसिस पर या फिर डिवीजन मतलब प्रोडक्ट के बेसिस पर। ठीक है, फंक्शंस के बेसिस पर जो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे अलग अलग फंक्शंस की एक्टिविटीज़ को एक साथ रखना, एक हेड के नीचे रखना, उसे बोलते हैं डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ वो हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रख दी। परचेज करना है रॉ मटेरियल्स का, उनका रिकॉर्ड रखना है, तो वो हमने परचेज डिपार्टमेंट में रख दी। ठीक है, तो वो हो गया फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिविजनल में प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, तो इनको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिपार्टमेंटलाइजेशन का बेसिक मतलब क्या था कि सिमिलर जॉब आर ग्रुप टुगेदर। हम एनुअल फंक्शन कर रहे थे तो डांस का हमने एक अलग ग्रुप बना दिया, स्किट का हमने एक अलग ग्रुप बना दिया, एंकरिंग के लिए हमने एक अलग ग्रुप बना दिया। ठीक है, और अगर कोई सॉन्ग्स है तो सिंगिंग का हमने अलग ग्रुप बना दिया, तो वो क्या हो गया, डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट बना दिया हमने। देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, अभी जो ग्रुप बने उसके अकॉर्डिंग हम टीचर्स वहाँ या फिर कोऑर्डिनेटर्स वहाँ सेलेक्ट करेंगे ना,
उनके एक एक पर्टिकुलर ड्यूटीज़ उन्हें स्पेसिफाई की जाएंगी, ड्यूटीज़ उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग उन्हें वहाँ ड्यूटीज़ दी जाएंगी। जो सिंगिंग में अच्छा है उसे सिंगिंग हेड बनाया जाएगा, जो डांस में अच्छा है उसे डांसिंग डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाएगा, ठीक है। जो एंकरिंग अच्छी करा सकता है, लैंग्वेज टीचर्स हैं उन्हें इसके लिए रखा जाएगा, एंकरिंग के लिए रखा जाएगा। तो वो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, फिर ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं। देन एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप और रेडी की जाती है, वो और तैयार की जाती है कि मतलब कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी जिम्मेदारी किसके लिए है, तो ये और बनाया जाता है। ये फोर स्टेप्स हो गए हमारे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यहाँ पर रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनाई जाएगी कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसकी जिम्मेदारी किसके लिए है, ठीक है। इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है, एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को याद करने के लिए, IDAE, आई डोंट अलाउ एक्स, मैं अपनी एक्स को अलाउ नहीं करूँगा, ठीक है। तो आई डोंट अलाउ एक्स, मैं अपनी एक्स को अलाउ नहीं करूँगा। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, डी फॉर डिपार्टमेंटलाइजेशन, ए फॉर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एंड ई फॉर एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ठीक है। इसका आप एक और बना सकते हैं आइडिया, IDEA। बट प्रॉब्लम ये है, आपको आइडिया याद रखना है लेकिन लिखना इसी सीक्वेंस में है, IDAE करके ही लिखना है, क्योंकि इस प्रोसेस होते हैं, इन प्रोसेस को आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये ऐसे ही सीक्वेंस में रहते हैं, इनका सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो आइडिया से याद करें या फिर आई डोंट अलाउ एक्स, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के लिए, राइट। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब इसके इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंस में बेनिफिट इन स्पेशलाइजेशन, अभी हमने बात की कि हम जो वर्क डिवाइड कर रहे हैं वो उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक काम को डिवाइड किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है या उसी काम को असाइन किया जाता है, तो उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है। जैसे आपने टीचर्स को देखा होगा, आपका न्यूमेरिकल देखते वो आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर ये आएगा, है ना। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो बार 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 रिपीटेशन वर्क करते हैं, उसी काम को बार बार कर रहे हैं वो, तो उससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, हमने यहाँ पे वर्क को डिवाइड किया है एज पर द स्किल्स, एज पर द क्वालिफिकेशन, वो काम उनको दिया गया है जिसके थ्रू वो स्पेशलाइजेशन आ जाता है उनमें, ठीक है। नाउ क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब हमने ये भी देखा कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होते ही कि कौन किसको आंसर देगा, रिप्लाई किसको करेगा, या फिर कौन किसके लिए अकाउंटेबल है। तो यहाँ क्लैरिटी होती है वर्किंग रिलेशनशिप में, यहाँ पता है कि आप किसके लिए जिम्मेदार हैं, आपको किसको अकाउंटेबल है, किसको आपको आंसरेबल है, है ना, आप आंसरेबल किसके लिए हैं, किसको आंसर देना पड़ेगा आपको। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, काम अच्छे से हो रहा है, यूनिट में आपने काम को बांट दिया, स्पेशलाइजेशन आ गया, काम की रिलेशनशिप भी यहाँ क्लियर है कि आपको किसको रिपोर्ट करना है, वो क्लियर है, तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन आपका इफेक्टिव वर्क करेगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हमारे यहाँ इफेक्टिव हो जाता है। देन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब स्पेशलाइज लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन आ गया है लोगों को, तो ऑब्वियसली वो काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे, है ना। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और रिसोर्सेज का अच्छे से यूज होता है। नेक्स्ट, एक्सपांशन एंड ग्रोथ। अब सारा काम अच्छे से हो रहा है तो कंपनी फर्म ग्रो करेगी, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी, है ना, क्योंकि प्रोडक्शन अच्छा होगा तो कॉस्ट भी कम आएगी और रेवेन्यू बढ़ जाएगी, और जब रेवेन्यू बढ़ेगी तो फर्म अपने आप को एक्सपांड कर सकती है, फर्म की ग्रोथ होगी। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। यहाँ पर्सनल का डेवलपमेंट मतलब आपका एम्प्लॉयज़ का अपना डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वर्क को स्किल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, रिपीटेशन ऑफ वर्क चल रहा है, वही काम एम्प्लॉय बार बार कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, उनका अपना पर्सनल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब कैसे उसे बनाना है, कैसे वो बनाया जाएगा। जैसे आपको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए भी आप पहले मॉडल रेडी करते हैं ना, एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं कि कितने कमरे होंगे, हॉल कैसा होगा, किचन कहाँ होगी, ये सब आप पहले से प्री प्लान करते हैं। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डिसाइड किया जाता है या कैसे बनाया जाता है,
है क्या ये, पहले ये देख लेते हैं। तो फ्रेमवर्क, अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें मैनेजरियल या ऑपरेशनल, जिसमें मैनेजर्स का या फिर ऑपरेशनल लेवल का जो टास्क होते हैं वो सारे परफॉर्म किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये कैसे बनाया जाता है, इसका बेसिस क्या होता है, इसका बेसिस होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक सुपीरियर के अंडर कितने इम्प्लॉयज या कितने सबॉर्डिनेट काम करेंगे। तो नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर, एक सुपीरियर के अंडर कितने लोग काम करेंगे, ठीक है, ये ए है एक सुपीरियर। अब इसके अंदर कितने बंदे हैं इसके अंडर जो काम करते हैं, सपोज ये है चार बंदे, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, कि एक सुपीरियर के अंदर कितने सबॉर्डिनेट्स आते हैं, कितने सबॉर्डिनेट्स वो हैंडल करता है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो जब नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है तो स्ट्रक्चर टॉल होता चला जाएगा। अगर मैंने एक बंदे के नीचे केवल दो ही बंदे दिए, बी और सी, ठीक है, फिर इसके नीचे आएगा डी और इसके नीचे दो दे दिए ई, यहाँ एफ और जी, तो जितना आप नैरो रखेंगे उतना जो स्ट्रक्चर है वो टॉल होता चला जाएगा, और जितना आप वाइड रखेंगे इसको उतना ज़्यादा वो फ्लैट हो जाएगा। तो जब हम नैरो रखते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को तो वो टॉल स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, और जब हम उसे वाइड स्पैन रखते हैं, एक ही के अंडर हमने पांच दे दिए, तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, फ्लैट, ठीक है, तब वो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। तो ये समझ में आ गया आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखिए हमारे दो तरीके का होता है, एक हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक हो गया डिविजनल स्ट्रक्चर। ये जो मैं आपको यहाँ बता रही थी ना कि हम आगे डिस्कस करेंगे, वही पॉइंट यहाँ पर आ गया है। फंक्शनल स्ट्रक्चर देखिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो फंक्शंस के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो ये फंक्शंस या जॉब्स, किस टाइप के आपकी जॉब है, आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, या फंक्शंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, उनके बेसिस पर ये फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो अगर फंक्शंस के बेसिस पर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो वो हो जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे बैंक, बैंक में आप जाते हैं तो बैंक में आपने देखा होगा कि अलग 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 सबकी जो कैबिन होते हैं वो बने होते हैं, है ना। कैशियर अलग होगा आपका, और जो कैश एक्सेप्ट करेगा, है ना, एक कैशियर होगा जो पेमेंट करेगा, कोई चेक बुक इश्यू करता है तो कोई चेक रिसीव करेगा, इस तरीके से अलग 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 फंक्शंस के अकॉर्डिंग वो डिवीज़न होता है। तो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब ऑर्गेनाइजेशन, जब हमारी जो स्ट्रक्चर बना होता है वो फंक्शंस के बेसिस पे बना होता है ना। जैसे सारी एक्टिविटीज़ अगर हम प्रोडक्शन की एक साथ रख दें तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बन गया, सेल्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को हमने सेल्स डिपार्टमेंट में रख दिया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या रिकॉर्ड ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, इनका स्टॉक बनाना है तो उसको हमने परचेज डिपार्टमेंट में रख दिया, ठीक। तो ये फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बन गए, तो उसे क्या बोलते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसके अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो इसके फायदे क्या क्या हैं, देखिए ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन आ जाता है। जैसे मैं अगर प्रोडक्शन फंक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन फंक्शन में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोगों को वही काम बार बार दे रहे हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड, है ना, तो उन्हें प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म करनी है। रिपीटेशन ऑफ वर्क आ जाता है यहाँ प्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक, जैसे प्रोसेसिंग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, या रिपेयर मेंटेनेंस वो आ गए, तो ये काम बार बार एक ही बंदा कर रहा है तो उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। देन इंक्रीजेस मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अब स्पेशलाइजेशन आ गया तो मैनेजमेंट भी हमारा अच्छे से काम करेगा, या हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो भी अच्छे से होगा, ठीक है, रिसोर्सेज का यूज अच्छा होगा। मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यहाँ पर हमने ड्यूटीज असाइन की हुई हैं एज पर द फंक्शंस हैं, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि चार लोग मिलकर एक ही काम को कर रहे हैं, है ना, वो नहीं होगा, क्योंकि सबका वर्क डिवाइड है और फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं, तो यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के चांसेस नहीं होते। इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग, यहाँ ट्रेनिंग देना इजी होता है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग दे रहे हो, एक पर्टिकुलर स्किल्स में ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग देना इजी होता है। यहाँ पर प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इजी हो जाता है क्योंकि फंक्शंस के साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, यहाँ पर अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग ग्रुप्स बने हुए हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इजी हो जाता है, है ना, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फंक्शंस हैं तो कोऑर्डिनेशन इजी हो जाता है। देन अगर हम आगे बात करें यहाँ पर,
तो ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस, बाकी फंक्शंस पर भी आप अटेंशन दे सकते हैं, सारे फंक्शंस पर यहाँ अटेंशन दे सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन आ जाता है क्योंकि एक ही काम को बार बार कराया जा रहा है, तो स्पेशलाइजेशन आ जाता है। देन आपका यहाँ पे मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ जाती है या ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि वेस्टेज के चांसेस कम हो जाते हैं जिससे अर्निंग बढ़ जाती है, और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कॉस्ट कम आ जाएगी। डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम होता है क्योंकि बार बार सभी का वर्क डिवाइड हुआ है, अलग अलग डिविडेशन हो रखा है वर्क का, तो यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के चांसेस कम हो जाते हैं। देन इफेक्टिव ट्रेनिंग, एक ही फील्ड में आपको ट्रेनिंग देनी है, लिमिटेड स्किल्स हैं, एक ही फंक्शन है तो ट्रेनिंग देना भी ईजी होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ईजी हो जाता है, है ना, एक जैसी एक्टिविटीज़ है, एक डिपार्टमेंट में एक ही सुपरविजन है, तो यहाँ पर कंट्रोल भी ईजी हो जाता है। अटेंशन आप दे सकते हैं हर क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर है तो हर फंक्शन को अटेंशन दे सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करूं, डिसएडवांटेजेस की, तो लेस इम्पॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या हो गया, अपने अपने फंक्शंस पर अटेंशन हो गया, जैसे प्रोडक्शन फंक्शन है वो केवल प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट है वो केवल सेल्स पर ध्यान दे रहा है, और आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है तो वो केवल फाइनेंस पर ध्यान दे रहा है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये अपने अपने मेन फंक्शंस पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसको कम इम्पॉर्टेंस मिलती है, उसको कंसिडर नहीं किया जाता। देन प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, यहाँ कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है क्योंकि सभी डिपार्टमेंट अपने अपने फील्ड में स्पेशलाइज्ड हैं, है ना, तो यहाँ पर वो एक दूसरे की प्रायोरिटी नहीं समझते, अपने अपने फंक्शंस को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो अपने डिपार्टमेंट को तो इंपॉर्टेंस देते हैं बट दूसरे के डिपार्टमेंट को वो कंसिडर नहीं करते, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सेम, अब जब कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के साथ में, तो कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं, झगड़े ज़्यादा होते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अब सेल्स डिपार्टमेंट है, उसे अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो उसने बोला कि भाई डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट आप ऑफर करिए तो हम सेल्स बढ़ा देते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसने मना कर दिया। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट से मना हो गया कि नहीं नहीं आप सेल्स पे डिस्काउंट ऑफर नहीं कर सकते क्योंकि इससे रेवेन्यू कम हो जाएगी, हमारी इनकम कम हो जाएगी, तो इसमें क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, वहाँ झगड़े के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत मुश्किल होता है इसमें आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर में। कैसे, जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे सेल्स की, सेल्स डिपार्टमेंट ने रिक्वेस्ट की थी डिस्काउंट के लिए लेकिन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने मना कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, अगर रीज़न पूछा जाए कि सेल्स क्यों इंक्रीज नहीं हुई या सेल्स क्यों नहीं बढ़ पाई, तो सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर क्या बोलेगा कि भाई मैंने तो बोला था डिस्काउंट ऑफर करने के लिए लेकिन फाइनेंशियल मैनेजर ने मना कर दिया, ठीक है। या फिर अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा कि भाई मुझे आगे से परमिशन नहीं थी कि मैं फाइनेंस अरेंज कर सकूं, है ना, या फिर सेल्स डिपार्टमेंट बोल सकता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं था इसीलिए सेल्स नहीं बढ़ पाई। अब उसने ये ब्लेमिंग गेम किसके ऊपर डाल दिया, क्वालिटी के ऊपर। अब रॉ क्वालिटी जो डिपार्टमेंट है, जो परचेस डिपार्टमेंट है, वो बोलेगा कि हमें तो फाइनेंस अरेंज नहीं, पैसे कम मिले थे इसलिए हमें लो क्वालिटी का सामान लेना पड़ा, राइट। तो एक दूसरे के ऊपर ना ब्लेमिंग गेम डाल सकते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर गलतियां थोपने का काम हो जाता है यहाँ पर। तो अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स नहीं कर सकते कि गलती किसकी थी। इनफ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल कम होता है ये क्योंकि आप जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ना वो किसी एक पर्टिकुलर स्किल्स पर्टिकुलर एरिया में ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप ऐसे में ना ट्रांसफर नहीं कर सकते दूसरे डिपार्टमेंट में अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि इन्हें वो काम आता ही नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर रिजिड हो जाता है, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, शिफ्ट नहीं कर सकते अपने एम्प्लॉयज को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, राइट। तो ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर की। डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, जो डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे वो एज पर प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। यहाँ पर हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, जबकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में केवल एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, एक ही प्रोडक्ट बनाया जा रहा था, और डिविजनल स्ट्रक्चर में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए जाएंगे। जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सोप भी बनाती है, साबुन बनाती है, दवाइयाँ बनाती है और कॉस्मेटिक्स का सामान बनाती है, तो ऐसी कंपनियों के लिए एज पर द प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है।
इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं, साथ के साथ एडवांटेजेस के साथ साथ आपको डिफरेंशिएशन भी पता चलता जाएगा। देखिए यहाँ जो स्पेशलाइजेशन मिलता है ना वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मिलता है, एक प्रोडक्ट में आप स्पेशलाइज हो जाएंगे। अभी देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर जो था एक फंक्शंस के अकॉर्डिंग था, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये डिविजनल स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है। देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या था, इसमें जो डिपार्टमेंट बने वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग बने, है ना। एक हो गया आपका प्रोडक्शन, एक हो गया आपका मार्केटिंग, ठीक है, और ले लेते हैं फाइनेंस, और एक ले लेते हैं परचेज डिपार्टमेंट। तो ये था फंक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक। अब हम अगर डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा ना वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। अब हम प्रोडक्ट क्या क्या बना रहे हैं, यहाँ पे सोप बना रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, ठीक है, और कॉस्मेटिक। इसके अंदर सब डिविजन होंगे, इसके अंदर होंगे ऐसे ही। इसके अंदर आ जाएगा प्रोडक्शन आपका, फिर आ जाएगा आपका ये सेम मार्केटिंग, फाइनेंसिंग और परचेज, सेम ऐसे ही सभी में होगा, है ना। ऐसे ही सेम मेडिसिन में होंगे डिपार्टमेंट, ऐसे ही कॉस्मेटिक में होंगे। तो यहाँ पर जो डिवीजन होता है वो एज पर द प्रोडक्ट होगा, फिर उसके अंदर एज पर द फंक्शंस होगा। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में दो तरीके के स्ट्रक्चर बनते हैं, एक एज पर द प्रोडक्ट, फिर उस प्रोडक्ट के अंदर एज पर द फंक्शंस, ठीक है। जबकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में केवल फंक्शंस के अकॉर्डिंग बन रहे थे डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेस डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। इसमें पहले प्रोडक्ट, फिर उसके अंदर उसके फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पेशलाइजेशन मिलता है वो प्रोडक्ट का मिलता है, क्योंकि सोप में आपने सारे फंक्शंस देख लिए, सारे फंक्शंस आप कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, आप फाइनेंसिंग भी कर रहे हैं, आप मार्केटिंग भी कर रहे हैं, आप परचेज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन मिलता है, जबकि यहाँ पर केवल एक फंक्शन का मिल रहा था, ठीक है। इसमें डिविजनल स्ट्रक्चर में डिसीजन मेकिंग ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि डिविजनल स्ट्रक्चर में डिसीजन इंडिविजुअल यूनिट के लिए जाते हैं, है ना। कोई एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ तो फंक्शंस थे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट है तो उनके डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, कोई किसी डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो इसलिए डिसीजंस जल्दी हो जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी पता करना ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे अभी जो डिपार्टमेंट थे वो थे एक सोप है, साबुन, एक कॉस्मेटिक है जो हमारे प्रोडक्ट थे, और एक हो गया आपका मेडिसिन, है ना, ये तीन थे हमारे। अब सपोज सोप की सेल बढ़ गई, ठीक है, कॉस्मेटिक की सेल बढ़ गई, लेकिन मेडिसिन की सेल नहीं बढ़ पा रही है। तो यहाँ पर ये फाइंड आउट करना इजी होता है कि कहाँ पर गलती हुई या अकाउंटेबल कौन है। तो आप मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट को पकड़ेंगे कि भाई आपकी सेल क्यों नहीं हुई, है ना। जबकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तो ब्लेमिंग गेम चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। देन बात कर लेते हैं फ्लैक्सिबिलिटी की। अब फ्लैक्सिबिलिटी ये थोड़ा सा फ्लैक्सिबल होता है, क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट अलग अलग हो गए, यूनिट अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग भी जल्दी होती है, इसलिए फ्लैक्सिबल होता है ये, यहाँ पर चेंजेस जल्दी होते हैं, ठीक है। एक्सपांशन एंड ग्रोथ, एक्सपांशन ग्रोथ, आप इसमें ना नए डिपार्टमेंट्स को ऐड कर सकते हो बिना किसी डर के या बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ पर हम बाकी यूनिट्स हमारी डिस्टर्ब नहीं होंगी अगर हम कोई और नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करते हैं, क्योंकि सबके डिपार्टमेंट अलग अलग बने हुए हैं, तो यह एक्सपांशन या ग्रोथ करना इजी होता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, डिविजन स्ट्रक्चर में ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी, क्योंकि ज़्यादा यूनिट्स बना रहे हो आप, ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे, सामान ज़्यादा लगेगा, लेबर ज़्यादा लगेगी, मटेरियल ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं। देन प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, जो यहाँ जो फोकस होता है वो पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट पर हो जाता है। यहाँ भी कहीं ना कहीं हम जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अवॉइड कर देते हैं, उसको कंसीडर नहीं करते, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर फोकस चला जाता है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पर फोकस आता है। कन्फ्लिक्ट, झगड़े यहाँ पर भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना, क्योंकि जब रिसोर्सेज एलोकेट करोगे आप तो किसी को रिसोर्सेज ज़्यादा ना मिल जाए, कम ना मिल जाए, उसकी वजह से झगड़े होने के चांसेस यहाँ भी ज़्यादा हैं। इंक्रीज इन कॉस्ट,
कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज के चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप एक्टिविटीज का डुप्लीकेशन हो जाए, मतलब दो लोग मिलकर सेम ही काम कर रहे हैं, है ना, उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। और क्योंकि आपको डिवीजन यूनिट के बेसिस पे तो करना ही है, प्रोडक्ट के बेसिस पे तो करना ही है, उसके बाद उसका फंक्शंस के बेसिस पर भी आगे जाके वो डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा ही होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर खर्चा भी ज्यादा आता है। अब हम बात करेंगे फॉर्मल या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? फॉर्मल, देखिए आप इंग्लिश में पढ़ते हैं फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर पढ़ते होंगे ना। फॉर्मल क्या है? जो एक सिस्टमैटिक वे में होगा, इनफॉर्मल जिसमें जो ऑटोमेटिकली बन जाता है, या फिर अपने पर्सनल को हम जो लेटर लिखते थे वो, है ना, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। पहले बात कर लेते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशनली बनाया जाता है, ये बनाया जाता है ताकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ रनिंग हो, सारे फंक्शंस आपके स्मूथली चलें, उसके लिए बनाया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पर्पस होता है इसका ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकें, ठीक है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग जॉब, स्पेसिफाइड जॉब होती हैं। जैसे आप स्कूल में देखें हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर डिसाइडेड होता है ना, ऐसे ही यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हर इंडिविजुअल के लिए एक स्पेसिफिक जॉब होगी, उसके अकॉर्डिंग उसके पास एक फिक्स अथॉरिटी भी रहेगी हर इंडिविजुअल के पास, ठीक है। इसका रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है या इसका जो आउटपुट है वो किस लिए बनाया जाता है? ये ताकि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन अच्छा हो। इसमें ये पता रहता है कि कौन किसके लिए अकाउंटेबल है, किसको किसको रिपोर्ट करना है, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, कौन किसे कमांड लेगा, जिसकी वजह से सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन बनते हैं, ठीक है। इसमें एक स्केलर चेन बनाई जाती है कम्युनिकेशन के लिए, बात करने के लिए या अपना मैसेज आगे फॉरवर्ड करने के लिए एक प्रॉपर स्केलर चेन को फॉलो किया जाता है। स्केलर चेन हमने पहले भी वीडियोस में पढ़ी थी, क्या होता है वो स्केलर चेन? ए को कोई भी मैसेज डी को दे रहे हैं तो ए से मैसेज पहले बी के पास आएगा, बी से सी के पास जाएगा और सी से डी के पास, ठीक है। या फिर डी को ए से कोई मैसेज, ए तक कोई अपना मैसेज कन्वे करना था तो वो पहले सी को बताएगा, सी से वो मैसेज बी के पास जाएगा, बी से तब वो मैसेज ए के पास आएगा। सेम यहाँ ए को कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई इंस्ट्रक्शन अगर जी को देनी है तो पहले वो ए से ई के पास आएगी इंस्ट्रक्शन, फिर ई से एफ के पास जाएगा वो इंस्ट्रक्शन, फिर एफ से जी तक कन्वे होगा, ठीक है। तो ये था हमारा स्केलर चेन। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एक स्केलर चेन के थ्रू किया जाता है, ऐसे नहीं है कोई कहीं भी कम्युनिकेट कर ले, ठीक है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्मूथ रनिंग के लिए बनाई जाती है, इंटेंशनली बनाई जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को आप अचीव कर सकें। इसमें हर इंडिविजुअल की एक अलग जॉब स्पेसिफाइड होती है जिसके अकॉर्डिंग उसे अथॉरिटी भी दी जाती है। इन सब चीज़ों की वजह से जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन है वो अच्छे होते हैं, और इसमें कम्युनिकेशन के लिए एक स्केलर चेन का यूज़ किया जाता है, ठीक। इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सिस्टमैटिक वर्किंग, किसी भी फॉर्म में, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टमैटिक वे में वर्किंग होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना कि एक सबकी जॉब अलग अलग स्पेसिफाइड है, इंडिविजुअल अथॉरिटी दी गई है, कम्युनिकेशन चैनल है प्रॉपर, और अचीवमेंट के लिए बनाया जाता है, है ना। तो सिस्टमेटिक वे में एक वर्किंग होती है, जहां पर ऐसा नहीं है कि कोई भी खिचड़ी सी बन रही हो ना, तो ऐसा नहीं होता, एक सिस्टमेटिक वे में काम किया जाता है। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती, यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में काम किया जाता है। डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को काम डिवाइड होता है, तो ये चांस नहीं होता कि कोई भी ओवरलैपिंग हो काम की। कोऑर्डिनेशन आराम से चलता है, कोऑर्डिनेशन होता है क्योंकि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन के थ्रू काम होता है, और ओवरलैपिंग नहीं है किसी भी काम की, तो कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होती। चेन ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है, जिसे मैंने अभी बताया ना स्केलर चेन, तो उसके थ्रू ऐसे ही कमांड चैनल होती है। कमांड चैनल का मतलब ये पता होता है कि कौन किसको कमांड देगा, ठीक है, हु रिपोर्ट्स टू होम, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको कमांड देगा, वो स्पेसिफाइड होता है। तो यहाँ पे चेन ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है। देन यहाँ पर काम पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, मोर एम्फेसिस ऑन वर्क, काम पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज है, जो अननेसेसरी एक्टिविटीज है, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है और काम पर ज्यादा फोकस किया जाता है।
अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सारी चीजें अच्छे से हो रही हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को आप आराम से, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को आप आराम से अचीव कर सकते हैं, राइट। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिले इन एक्शन, एक्शन लेने में डिले आ जाता है। कैसे? जैसे हमने यहाँ बात की ना कि मैसेज कन्वे करने के लिए कम्युनिकेशन चैनल होता है एक प्रॉपर, जिसको फॉलो किया जाता है। तो इस कम्युनिकेशन चैनल को फॉलो करने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से कभी कभी डिसीजंस डिले हो जाते हैं। इग्नोर सोशल नीड, सोशल नीड को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने देखा कि काम पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बस ये जो फोकस है वो काम पर है ना, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पर फोकस नहीं किया जाता। तो भाई आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको पर्सनल टॉक भी करने होते हैं, वो भी बातें करनी होती हैं, है ना। ऐसा नहीं होता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में केवल काम 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 किया और वापस आ गए, फिर अगले दिन जाके फिर से काम किया, फिर वापस आ गए ना। तो ऐसे वो सोशल नीड्स को यहाँ अवॉइड किया जाता है, ऐसे तो आप इरिटेट हो जाओगे, काम ही नहीं कर पाओगे, राइट। अब हमने यहाँ पर देखा, अगर डी को कोई इन्फॉर्मेशन ए तक कन्वे करनी है तो ऑब्वियसली वो वही इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगा जो काम की होगी, तो फालतू की बातें तो वो नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर इन चीजों को ध्यान नहीं रखा जाता, सोशल नीड का ध्यान नहीं रखा जाता। जबकि हम कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं तो हमारी कुछ सोशल नीड्स होती हैं जिनने जो हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन देती हैं, है ना। हम तभी मन से काम कर पाएंगे जब वहाँ की एनवायरमेंट अच्छी होगी या हम किसी के साथ अपनी बातें शेयर कर पा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप ज्यादा दिन तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पाएंगे। एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, अब यहाँ वर्क ओनली लिख दिया है तो ये डिमेरिट बन गई है, इसकी डिसएडवांटेज बन गई, और जब हमने वर्क लिखा था तो ये एडवांटेजेस थी, है ना, यहाँ पर एडवांटेजेस में था। तो यहाँ पर केवल काम पर ध्यान दिया जाता है, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ह्यूमन रिलेशंस को इग्नोर किया जाता है, क्रिएटिविटी को इग्नोर किया जाता है, और आपके टैलेंट को इग्नोर किया जाता है। केवल जो काम आपको डिसाइड दिया गया है उसी काम को आपको करके देना है, तो केवल काम पर फोकस किया जाता है। अब बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो जैसे इनफॉर्मल लेटर हम अपने दोस्त को लिखते थे ना, कैसे भी लिख दो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है ना, तो ऐसी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है भाई, जो अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाती है, इसे इंटेंशनली नहीं बनाया जाता, ये अपने आप बन जाती है, ठीक है। फाउंड बाई एम्प्लॉयज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, हमने बताया था ना कि हम कहीं भी काम करेंगे तो हम आपस में एक दूसरे की बातें शेयर करते ही हैं, कुछ अपनी बातें कहेंगे कुछ दूसरों की सुनेंगे, राइट। तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन खुद से ही जो बन जाता है वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन बना रहे, एम्प्लॉयज अच्छे से काम करें। यहाँ कोई अथॉरिटी नहीं होती, अथॉरिटी का कोई प्रॉपर चैनल नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई प्रॉपर चैनल नहीं होता। जैसे हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था कि एक प्रॉपर चैनल होता है कम्युनिकेशन का, बात करनी है तो वो सीधे एक लेवल के थ्रू होते हुए जाएगी। यहाँ ऐसा कोई लेवल नहीं होता, आपको किसी से भी कोई भी बात करनी है आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई अथॉरिटी भी ऐसे असाइन नहीं की जाती, ठीक है। डिपेंड्स ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हाँ जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा तभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बन सकता है। अगर फॉर्मल ही नहीं होगा तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से बनेगा ना, तो ये डिपेंड करता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन फास्ट होता है, आप कम्युनिकेट, क्योंकि अब यहाँ पर ए से हमारी जो चैनल बनी हुई थी बी सी डी देन ई एफ और यहाँ जी, हम उसमें क्या कर रहे थे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमें अपने ए को अगर एफ से कोई बात करनी है तो पहले बी को बताएगा, बी से वो बात डी के पास जाएगी, डी से वो बात एफ तक आएगी। लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई चैनल नहीं होता, आप इससे बात कर सकते हैं, ये आप इससे बात कर सकता है, ये इससे बात कर सकता है, तो कोई किसी से बात कर सकता है ना, यहाँ कोई प्रॉपर चैनल नहीं होता, किसी को किसी से बात करने की पूरी परमिशन होती है, तो इसलिए कम्युनिकेशन फास्ट होता है। फुलफिल सोशल नीड्स, सोशल नीड्स को पूरी करता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप कहीं काम करने जा रहे हैं तो आप बातें भी करेंगे, पर्सनल टॉक भी होगी, ऐसा नहीं है केवल ऑर्गेनाइजेशन की से ही रिलेटेड आप बातें करें, है ना। तो सोशल नीड्स को भी पूरा करता है, जिससे एम्प्लॉयज भी मोटिवेट होते हैं और काम ज्यादा अच्छे से करते हैं। करेक्ट फीडबैक, ये फीडबैक आपको करेक्ट मिलेगा, जैसे अगर आपको ए को अपनी पॉलिसीज के बारे में डी एफ से पता करना है तो उसे वो करेक्ट फीडबैक मिलेगा, क्योंकि पर्सनल रिलेशंस भी है ना, आपकी एक बॉन्डिंग भी बनी हुई है एफ के साथ, तो जब आप उसे बात करेंगे तो एफ आपको सही आउटपुट बताएगा, सही रीजन बताएगा, सही फीडबैक देगा आपको, तो यह फीडबैक सही मिलता है। जबकि हम फॉर्मल की बात करें तो ए अगर एफ से पूछेगा तो उसे उतनी ही बातें बतानी है
जितने की लिमिटेड हो, जितने ऑर्गेनाइजेशन से जरूरी हो, तो बोल ही नहीं सकता, वो सही फीडबैक आपको देगा ही नहीं। बट यहाँ पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हमारी पर्सनल बॉन्डिंग अच्छी होती है, फ्रेंडली बिहेवियर होता है, तो यहाँ पर फीडबैक भी आपको सही मिलता है। बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो देखिए र्यूमर्स स्प्रेड होते हैं, है ना। ये एक फैक्ट है, एक थ्योरी में भी निकल के आया है कि 70% जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो केवल र्यूमर होती हैं। तो र्यूमर्स ज़्यादा स्प्रेड होते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में। देन नो सिस्टमेटिक वर्किंग। अब भाई कोई किसी से भी बात कर रहा है, कोई किसी के पास कोई भी पावर है, तो क्या सिस्टमेटिक वे में काम होगा? तो कोई काम नहीं होगा सिस्टमेटिक वे में। देन मोर एम्फेसिस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर, मतलब सोशल नीड्स पर, इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ऐसा बाउंड नहीं किया जाता कि आप केवल इसी वे में बात करेंगे, या फिर यही अथॉरिटी, इसी वे में आपको अथॉरिटी डिवाइड होगी। तो यहाँ पर इंडिविजुअल इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन का मतलब होता है डिलीवर करना, अथॉरिटी को आगे ट्रांसफर करना। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ठीक है, सुपीरियर से ये अथॉरिटी सबऑर्डिनेट को डिलीवर की जाती है। तो हमेशा डाउनवर्ड चलती है, टॉप से बॉटम। ठीक है, तो टॉप लेवल से वो जाएगी मिडिल लेवल के पास, फिर इसके बाद वो जाएगी लोअर लेवल के पास। ठीक है, तो इस फ्लो में ट्रांसफर होती है आपकी अथॉरिटी, टॉप टू बॉटम, सुपीरियर से सबॉर्डिनेट। ठीक, एलिमेंट्स की अगर बात करें तो इसके तीन मेन एलिमेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो आपको जॉब मिली है, जो आपको ड्यूटी मिली है, उसको परफॉर्म करना। आप इसको मना नहीं कर सकते परफॉर्म करने से, तो आप बाउंड होते हैं उस काम को करने के लिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपवर्ड चलती है, अपवर्ड मतलब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ। तो सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर को बताएगा। ठीक है, अपवर्ड, तो सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ चलेगी, तो सबऑर्डिनेट सुपीरियर को बताएगा जो भी काम होगा उसके बारे में। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अज्यूम्ड, ये अज्यूम की जाती है कि भाई आपको क्या काम करना है, किस तरीके से करना है। और डिराइव फ्रॉम अथॉरिटी, कहाँ से निकली है रिस्पॉन्सिबिलिटी? अथॉरिटी से रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दिए गए काम को करना, जिसके लिए आप बाउंड होते हैं, आप मना नहीं कर सकते, अपवर्ड फ्लो करता है, सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ चलेगा। ठीक है, और ये अजम्पशंस बेसिस पर होती है। और कहाँ से आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहाँ से आई? अथॉरिटी से डिराइव हुई है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है डिसीजन लेने के लिए जो पावर दी जाती है, पावर टू टेक डिसीजन, उसे बोलते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होती है, मतलब जो आपने जॉब दी है, जो आपने काम दिया है, उसके अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी दी जाती है। तो अथॉरिटी ना तो ज़्यादा दी जाएगी, काम से ज़्यादा दी जाएगी, ना तो पावर ज़्यादा दे सकते हैं, ना पावर कम दे सकते हैं। तो अथॉरिटी को हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर होना चाहिए। ये आपकी डाउनवर्ड फ्लो करती है, मतलब सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ जाएगी। तो जो टॉप जो सुपीरियर्स है, जो हेड है, उनसे उनके सबॉर्डिनेट की तरफ फ्लो करती है। तो डाउनवर्ड फ्लो करती है, डाउनवर्ड। ठीक है, जबकि हमने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर रही थी? रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो कर रही थी, और ये अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है। ठीक है, तो डाउनवर्ड फ्लो करती है। अथॉरिटी को आप डेलीगेट कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, किसी दूसरे बंदे को आप शेयर कर सकते हैं अथॉरिटी को। ठीक है, मतलब अपनी पावर्स को आप दूसरों के साथ बांट सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आंसरेबल। आपने कोई काम नहीं किया तो आप उसके लिए आंसरेबल होंगे। ठीक है, और आंसरेबल होंगे अपने किसकी तरफ होंगे? आंसरेबल अपवर्ड, मतलब अपने सुपीरियर की तरफ। तो अपवर्ड फ्लो करती है ये। ठीक है, अब इसको आप कैन नॉट बी डेलीगेटेड, आप इसको पास नहीं कर सकते, अकाउंटेबिलिटी को आप शिफ्ट नहीं कर सकते किसी दूसरे बंदे पर। डिराइव फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है अकाउंटेबिलिटी। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे आपको ये सारा समझ में आ जाए। हम स्कूल में एनुअल फंक्शन करा रहे थे। ठीक है, अब एनुअल फंक्शन कराया तो उसके अकॉर्डिंग हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी अलग अलग टीचर्स को। ठीक है, अब यहाँ पर जो इवेंट मैनेजर था, इवेंट हमारा
इंचार्ज था, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी सबको, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी भी दे दी, पावर्स भी दे दी। लेकिन अगर एनुअल फंक्शन अच्छा नहीं हुआ तो आंसरेबल कौन होगा? इवेंट इंचार्ज। वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर दी थी, अथॉरिटी दी थी, तो टीचर्स ने काम अच्छा नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? केवल इवेंट इंचार्ज। इवेंट इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा कि क्यों उसमें एरर्स हुए, क्यों मिस्टेक हुई, क्यों गड़बड़ हुई एनुअल फंक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी या अकाउंटेबिलिटी। क्या था ये हमारा? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसकी फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी, इसमें सेकंड चैप्टर में प्रिंसिपल्स में। सेंट्रलाइजेशन का मतलब था ये, जब पावर एक हाथ में है, कुछ हाथों में पावर होती है तो वो होता है सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, जब पावर हमने शिफ्ट कर दी। ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या था? पावर इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही हाथों में जब पावर होती है, या हम ये बोलें कि टॉप लेवल के पास पावर्स हैं, तो उसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन, जब उसी पावर्स को आगे शेयर किया जाता है, एक सिस्टमैटिक वे में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऐसा नहीं है किसी को भी पावर किसी भी मर्जी से दे दी। आपका दोस्त था तो आपने पावर ज्यादा दे दी, आपका दुश्मन है तो पावर कम दी, है ना? ऐसे नहीं होगी, दोस्ती दुश्मनी नहीं निभाई जाएगी यहाँ पर। एक सिस्टमैटिक वे में डिस्ट्रीब्यूशन करना, किसका? पावर का, हर लेवल पर। अब देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो होती है ना बेटा, ये केवल सुपीरियर से सबॉर्डिनेट तक चलेगी, चाहे वो हम मिडिल लेवल की बात करें, किसी भी लेवल की बात करें, वो सुपीरियर से जस्ट उसके सबॉर्डिनेट तक चलती है। जबकि हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो हर लेवल पर काम कर रही है। ठीक है, हर लेवल के साथ शेयर हो रही है। कुछ पावर्स टॉप लेवल के पास हैं, तो कुछ पावर्स मिडिल लेवल के पास हैं, तो कुछ पावर्स लोअर लेवल के पास हैं। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक वे में डिस्ट्रीब्यूशन होता है अथॉरिटी का। जैसे जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड डिसीजन टॉप लेवल लेगा, या जो कॉमन डिसीजंस हैं उनसे रिलेटेड पावर्स अलग अलग लेवल्स को शेयर की जा सकती हैं। तो ये क्या हो गया आपका? डिसेंट्रलाइजेशन। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस अगर पढ़ें कि क्यों जरूरी है सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, ना तो प्रॉपर सेंट्रलाइज होती है, ना प्रॉपर डिसेंट्रलाइज होती है। एक रेशियो बनाया जाता है इन दोनों के बीच में, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। ठीक है, तो इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ लेते हैं। डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट, इनिशिएटिव मिलता है। ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में टीचर्स इवेल्युएशन ड्यूटी पर गए, तो उनकी जगह आपके दूसरे सेक्शन के टीचर को दे दिया काम कि भाई आप पढ़ाएंगे तब तक जब तक दूसरा टीचर नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? इनिशिएटिव, जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं ना, उन्हें इनिशिएटिव लेने का मौका मिलता है। उन्हें लगता है कि भाई उनके पास कुछ स्किल्स हैं, या उनके ऊपर मैनेजमेंट को ज़्यादा भरोसा है, इसलिए उनके साथ वो पावर शेयर की गई है, है ना? तो एक इनिशिएटिव आ जाता, इनिशिएटिव की भावना आती है सबॉर्डिनेट्स में। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, अगर हम सबॉर्डिनेट के साथ अपनी पावर शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम फ्यूचर मैनेजर्स रेडी कर रहे हैं अपने फॉर्म के लिए, जो फ्यूचर में हमारी फॉर्म के लिए ही काम करेंगे। हमें मैनेजर्स बाहर से हायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम फ्यूचर मैनेजर्स यहाँ पर रेडी करते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि यहाँ पर हमने पावर शेयर कर दी है, तो कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सब अपने फील्ड से रिलेटेड, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं, इसलिए डिसीजंस क्विकली होते हैं। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का थोड़ा सा बर्डन कहीं ना कहीं कम हो जाता है अगर वो पावर शेयर करता है तो और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाले एरियाज पर, इम्पॉर्टेंट मैटर्स पर फोकस कर सकता है, तो यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट का बर्डन कम हो जाता है। बेटर कंट्रोल, कंट्रोल करना ईजी है, गलतियाँ आप आराम से पकड़ सकते हैं क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी भी दी है, पावर शेयर की है अलग अलग लेवल्स के साथ, तो यहाँ पर हम गलतियाँ पकड़ सकते हैं कि कहाँ किसकी साइड से मिस्टेक हुई है। वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं थी, या मेरे पास ये पावर नहीं थी डिसीजन लेने की, है ना? तो यहाँ कंट्रोल आप आराम से कर सकते हैं, फैसिलिटेट ग्रोथ, लोग इनिशिएटिव हो जाते हैं, एम्प्लॉयज आपके ज़्यादा अच्छे से मोटिवेट होकर काम करेंगे, डिसीजंस आप क्विकली ले रहे हैं, है ना? टॉप मैनेजमेंट अपने मेन एम पर फोकस कर रहा है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करती है। ठीक है,
तो ये थे हमारे सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आपको सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। ये हमारी पूरी वीडियो थी। बात करें हम अगर स्टार्टिंग, तो सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग के बारे में देखा, देन उसके प्रोसेस हमने पढ़े, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, देन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने की। इसके बाद हमने किया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसके बारे में हमने बात की थी, फंक्शनल या डिविजनल स्ट्रक्चर, देन उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने यहाँ पे देखी, देन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की हमने बात की, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनकी एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, फिर वो सारे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी देखा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एलिमेंट्स हमने पढ़े, एंड लास्ट टॉपिक था हमारा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर चैनल पर नए हैं तो। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप भी एक लाइक का बटन तो दबा ही सकते हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।